तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये रिएजेंट्स के दो टाइप होते हैं। तो रिएजेंट्स किस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिन मॉलिक्यूल के वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो रिएजेंट उन कंपाउंड्स या फिर उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनको एक सिस्टम में डाला जाता है ताकि रिएक्शन हो। सो इनके दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स, जैसे कि इस वर्ड्स को हम तोड़ेंगे तो इसको मिलेगा इलेक्ट्रो और फाइल। फाइल मीन्स लविंग मॉलिक्यूल विच लव इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स वॉन्ट्स टू टेक इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो एंड फाइल्स मीन्स दोज मॉलिक्यूल्स विच डोंट वॉन्ट इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट वॉन्ट्स टू गिव इलेक्ट्रॉन। ओके, एनी मॉलिक्यूल विच डिमांड इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूक्लियोफाइल आर दोज मॉलिक्यूल हु विल गिव देम। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो केमिकल रिएक्शन समझने के लिए आपको इन दोनों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चार्ज के बेसिस पे, मींस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल मींस दोज मॉलिक्यूल विच आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, ये आर प्लस मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप विच डोंट हैव इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस मॉलिक्यूल डोंट हैव इलेक्ट्रॉन, सो ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये सब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन चाहते हैं किसी से लेना, तो इनको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल्स। तो वैसे ही न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल यहीं पे हम देख लेते हैं, क्लोराइड आयन जैसे कि ये मॉलिक्यूल क्लोराइड आयन जिसके पास एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। और हम न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा। और एक टाइप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का हम देख सकते हैं लोन पेयर के बेसिस पे। तो लोन पेयर के बेसिस पे जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, जो कि लुईस एसिड होता है, अगर आपने लुईस एसिड टॉपिक पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कि लुईस एसिड उन्हें कहते हैं उन मॉलिक्यूल को जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और मॉलिक्यूल से लेते हैं। तो लुईस एसिड के एग्जांपल है SO2, SO3। अब आप ये जानते होंगे कि ये लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि इनमें एक वैलेंट खाली ऑर्बिटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, डी ऑर्बिटल, या फिर अगर कोई हायर मॉलिक्यूल होगा, अगर कोई हायर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें एफ ऑर्बिटल जो खाली होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल लुईस एसिड होते हैं। और ये जैसा कि इलेक्ट्रॉन अगर ले सकते हैं तो ये भी होंगे इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। वैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस हो सकते हैं, मीन्स कि लुईस बेस क्या होता है,
वो मॉलिक्यूल्स जो लोन पेयर दे सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल पता होगा, वाटर। वाटर यहाँ पे एक लुईस बेस कैसे है, वाटर में होता है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से डोनेट कर सकता है किसी और मॉलिक्यूल को, तो ये हो जाता है एक लुईस बेस। सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है मॉलिक्यूल उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल को देना चाहते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक, एंड If you want such more videos, subscribe the channel. Thank you.